एक बार फिर से आप सभी CTET अभ्यर्थियों का हमारे चैनल 72 पायनियर फॉर एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों ने CTET पेपर 1 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की बात की थी। आज हम लोग HCF LCM पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपके लिए 12 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो अब तक के आए हुए परीक्षाओं में से है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणनखंड और तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले आपको दो शब्दों में भेद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, वो है आपका पहला शब्द गुणज और दूसरा शब्द जो है, पहला आपका है गुणज, दूसरा है गुणनखंड। गुणज कहते हैं मल्टीपल को और आपका गुणनखंड कहते हैं फैक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो कह रहा है कि छोटा मतलब लीस्ट और सार मतलब कॉमन, यानी कि LCM निकालना है, बड़ा यानी कि हाईएस्ट और सार मतलब कॉमन यानी HCF निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर है 36, 30 और 42, इनका LCM निकालना है। LCM निकालने का तरीका होता है, हमें अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करना होता है। सबसे पहले हम 2 का भाग लगाएंगे, 15 इसमें आ जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे 18, इसमें 21, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो ये 15 का 15 ही रहेगा क्योंकि भाग नहीं जा रहा है। 18 में 2 का भाग लगाएंगे 9, 21 में 2 का भाग नहीं जाता है, फिर 2 का भाग जाना ही बंद हो गया, तो अब 3 का लगाएंगे 5, 3 और 7। अब 3 का लगाएंगे 5, 1 और 7, फिर 5 का लगाएंगे 1, 1 और 7, फिर 7 का लगाएंगे और 1, 1, 1 हो जाएगा। अब हम जब इधर से मल्टीपल करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी इधर से पड़ेगा, लेकिन इधर से आगे दुगना करने में आसानी रहेगी। 7 × 5 = 35, 3 × 1 = 105, 3 × 3 = 115, दूनी 630 और दूनी 1260, यानी LCM हो गया 1260। अब आपको HCF का एक तरीका बताते हैं, जब दो नंबर करीब हो और उनका अंतर का भाग दोनों संख्याओं में चला जाए तो वो HCF होता है उन दोनों का। तो 30 और 36 का अंतर है 6, इन दोनों में इनका भाग चला ही जाएगा और 6 का भाग 42 में भी चला जाएगा, यानी कि HCF हमारा हो गया 6। अब 6 का जब 1260 से गुणा करेंगे, 0, 6, 6, 36 बच गया 3, 6 दूनी 12 और 3, 15 बच गया 1, 6 कम 6 और 7, यानी हमारा आंसर हो गया 7560। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है होंगे। तो 7 के गुणज की बात कर रहा है, गुणज यानी मल्टीपल, तो 7 का भाग जो है पहला गुणज तो 7 ही होगा, 14 का भाग भी 84 में चला जाएगा, 7 × 21, 21 का भाग भी चला जाएगा, 7 × 28 का भी चला जाएगा, 7 × 35 का नहीं जाएगा लेकिन 7 × 42 का चला जाएगा, और इसके बाद 56 का नहीं जाएगा, 63 का नहीं जाएगा, 70 का नहीं जाएगा, 77 का नहीं जाएगा, सीधा जाएगा 84 का। ठीक है, अब इन सब की टोटल करनी है, तो 4 × 2 = 6, 8 × 14 = 1, 15, 4 × 19 = 26, 26 का 6 लिख दिया, 2 हमारा बच गया, 2 × 8 = 10, 4 × 12, 2 × 14, 2 × 16 और 1 × 17, तो 8 × 2 = 10, 4 × 14, 2 × 16 और 2 × 18 और 1 × 19। ठीक है, तो हमारे पास इसका टोटल आया 196, तो हमारा ऑप्शन हो गया 3। बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को रिपीट कर लेना, क्वेश्चन यहीं से होगा, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, पहले ब्रैकेट में लिखा है कि 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योग। तो 21 और 49 के बीच 7 से गुणजों का लेते हैं, तो 28 लेंगे, 35 लेंगे और 7 × 42 लेंगे, दोनों पीक पॉइंट छोड़ देंगे इनके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है। अब 25 और 30 का सबसे बड़ा यानी कि H और सार्व यानी कि C और F यानी गुणनखंड यानी HCF, और मैंने आपसे कहा था दो संख्याओं का HCF निकालना हो तो दोनों का अंतर लीजिए, दोनों का अंतर है 5। अब इस अंतर से देख लीजिए, इसमें भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, जा रहा है, इसमें भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, जा रहा है, तो हमारा HCF हो गया 5। और 105 में जब 21 का भाग लगाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे तो
तो हमें 21 की प्राप्ति हो जाएगी, यानी हमारा ऑप्शन वन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास प्रश्न है कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमें 96 के फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, 96 के फैक्टर बनाते समय फैक्टर में मैंने आपसे कहा था अभाज्य संख्या से बनाना है फैक्टर, तो 2 का भाग लगाएंगे 48, फिर 2 का भाग लगाएंगे 24, फिर 2 का भाग लगाएंगे 12, फिर 2 का लगाएंगे 6, फिर 2 का लगाएंगे 3, फिर 3 का लगाएंगे 1, यानी हमारा 2 कितनी बार यूज़ आया, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो हमारे पास 2 यूज आया, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1, हमें इस तरीके से लिख लेना है। फिर इस 2 को 0 से चालू करना है और प्लस लगाते जाना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और जब तक बैलेंस में न पहुंच जाए तब तक ऐसा करना है, 2 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर 0 होगा तो 1 बनेगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 बनता है। 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, तो हमारे पास 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब 16 और ये 48, 8 56 4 60, 2 62 1 63, तो 63 हमारा इसका आंसर आया। अब 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, अब 3 की पावर 0 हो तो 1 ही बनेगा, मैंने आपसे कहा था किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 बनता है, तो यहाँ 3 की पावर 1 है तो यही रहेगा, हो गए दोनों 4। अब हमें इन दोनों आंसर को मल्टीपल करना है, 3 चौके 12 बच गया 1, 6 चौके 24 और 1 25, यानी 252 हमारा यहाँ का राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि 216 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो 216 के सभी, वही रूटीन वही रहेगा, पहले फैक्टर बनाएंगे, 2 का भाग लगाया 108 आ गया, फिर 2 का भाग लगाया 54 आ गया, फिर 2 का भाग लगाया 27 आ गया, अब 3 का लगाएंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 का लगाएंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 का लगाएंगे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। तो हमने क्या कहा था, 3 पावर होने तक हमें उसको प्लस में लिखना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 1 छूट गया, 2 की पावर 1। अब ऐसे ही इसको लिखेंगे 1 2 4 8, तो ये हमारे हो गए इतनी बार। ठीक है, अब 3 को लिखेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो ये हो गया 1 3 9 27, तो 27 9 36, 3 39 और 1 40। ठीक है, इधर का किया 8 4 12, 2 14 और 1 15। अब गुणनखंडों का योग करना था, तो मैंने आपसे कहा था जो ये हल दोनों आएंगे इनका गुणा करा लेना, इनका गुणा कराओगे तो क्या आएगा, 600। और यहाँ पे कोई मिसप्रिंट की वजह से आपका आंसर नहीं है, नहीं तो आपके सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग निकालने का तरीका। अब हमारे पास प्रश्न है कि 4 5 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा यानी लीस्ट सार्व यानी कि कॉमन गुणज यानी कि मल्टीपल यानी LCM। फिर कह रहा है 5 9 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर क्या होगा। अब मैं आपको बता दूं, अगर इनका अंतर 1 है जिन नंबरों का निकालना है, तो आपका इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं 4 5 और 6। अब जब इनका एलसीएम निकालेंगे, पहले मैंने कहा था 2 का भाग करेंगे 5 3, फिर 2 का देंगे तो आ जाएगा 1 5 और 3, 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती होती है 3, तो 1 5 1, फिर आ जाएगा 5 1 1 1, तो 5 3 15 2 30 और 2 60, तो यहाँ का एलसीएम हो गया हमारा 60। अब दूसरे का एलसीएम निकालते हैं 5 6 और 9, तो 5 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, तो पहले 2 का लगाएंगे 5 3 और 9, और अब 3 का लगाएंगे 5 1 और 3,
अब तीन का लगाएंगे पाँच, एक एक, अब पाँच का लगाएंगे एक एक एक, तो 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 दूना 90। अब हमारा प्रश्न है कि 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज, छोटा यानी कि एल, सार्व यानी कि सी, एम मतलब गुणज, बड़ा यानी कि एच, सार्व मतलब सी, गुणनखंड मतलब एफ। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताना है। तो 5, 10 और 35, सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, मैंने आपसे जिस तरीके से बताया था, 5, 5 और 35। अब 5 का भाग लगाएंगे क्योंकि 3 का है नहीं कोई काम, तो 1, 1 और 7, ये आ गया 7। तो यहाँ पे हो गया 7 × 35 = 70। अब कह रहा है इनका एच सी एफ, मैंने आपसे बताया था 2 नंबरों का अंतर, यहाँ अंतर कितना 5, और ये अंतर अगर दोनों संख्याओं में भाग जाए, 5 का भाग 5 में 1 बार और 5 का भाग 10 में 2 बार जा रहा है, यानी कि यहाँ का एच सी एफ 5 है इन 2 का। अब ये देख लीजिए कि इन 2 का एच सी एफ इसको विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो 35 में 5 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है। तो यहाँ इन तीनों का एच सी एफ हो जाएगा 5 और इन दोनों का अंतर है 65। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा और इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 42 के गुणनखंड करने हैं। 2 का भाग लगाया 21, फिर 3 का जाएगा 7, फिर 7 का गया 1। अब हमें क्या करना है कि 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, इनको इनसे पावर में +1 कर देना है, यानी पावर में +1 किया तो 2, फिर गुणा का चिन्ह लगा देना है, पावर में 1+ किया तो 2, और फिर पावर में 1+ किया तो 2, तो यानी 2 × 2 × 2 यानी कि यहाँ पर फैक्टर होंगे 8। अब अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हो, पहले 1 का भाग चला जाएगा, फिर 2 का चला जाएगा, फिर 3 का चला जाएगा, 4 का नहीं आएगा, 6 का चला जाएगा, 7 का चला जाएगा, 14 का चला जाएगा, फिर 21 का चला जाएगा, फिर 42 का चला जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, यही 8 आपके मल्टीपल्स होंगे, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा। लेकिन ये तो आपको दिमाग लगा कर करना पड़ेगा, और इसमें अगर बड़ा नंबर आ गया तो फिर आपका ये कॉन्सेप्ट ही इसमें काम कर सकता है। ठीक है, हो सकता है कि कोई सवाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि छोटा मतलब एल, सार्व मतलब सी, एम मतलब गुणज यानी एलसीएम, और यहाँ पर सबसे बड़ा गुणनखंड, तो यहाँ पर जो हमारा है गुणनखंड यानी कि एच सी एफ की बात कर रहा है। ठीक है, 36 और 60 का एलसीएम निकालना है, तो 36 और 60 का एलसीएम पहले 2 का भाग लगाएंगे 18 और 30, फिर 2 का भाग लगाएंगे 9 और 15, फिर 3 का भाग लगाएंगे 3 और 5, फिर 3 का भाग लगाएंगे तो 1 और 5, फिर 5 का भाग लगाएंगे 1 और 1। अब हमारे पास प्रश्न है कि 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको जैसे बताया कि 105 गुणनखंड निकालना है, पहले 3 का भाग जाएगा 35, फिर 5 का भाग जाएगा 7, फिर 7 का जाएगा 1, यानि 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। मैंने कहा था पावर में 1 जोड़ देना, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, 1 और 1 कितने हो गए 2, 1 और 1 कितने हो गए 2, यानी टोटल हो गया 8। तो यहाँ के गुणनखंड कितने हुए 8। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है कि 100 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो फिर से हमें फैक्टर निकालना है 100 के, 2, 50, 2, 25, फिर 5 का ही भाग जाएगा तो 5, और फिर 5 का जाएगा 1। इसमें आया हमारे पास 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो मैंने आपसे क्या कहा था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, पहले ऐसे लिखेंगे 1, 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, तो ये हो गया 7। फिर लिखेंगे 5 की पावर कितना,
ज़ीरो, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो ये जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25, तो 25 और 5 कितने हो गए, 30 और 1 31। अब मैंने कहा था इन दोनों का गुणा करा लेना, तो हो जाएगा 217। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका थर्ड। अब हमारा प्रश्न है कि 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज, न्यूनतम यानी कि लीस्ट सार्वगुणज का यानी कि LCM, गुणज मतलब मल्टीपल, तो 12 और 16 का मल्टीपल LCM जब निकालेंगे तो 2 का भाग दिया 6, इधर 8, फिर 2 का भाग दिया 3, इधर 4, फिर 2 का भाग दिया इधर 3, इधर 2, फिर 2 का भाग दिया 3, इधर 1, फिर 3 का भाग दिया 1, तो हमें 3 × 6 × 12 × 24 × 48 इसको गुणा कराना किसी से। 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणजकन यानी कि LCM, अब 10 और 15 का भी निकाल लेते हैं, तो 10 और 15 पहले 2 का भाग लगाएंगे 5, फिर इसमें जाएगा नहीं, तो फिर 3 का लगाएंगे 5 और 5, यानी यहाँ आ गया 5 1 1, 5 तिहाई, 15 15 दुनी 30 और 48 तिहाई।